नमस्कार दर्शकों, मैं सुस्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ ऐसे तीन योगों के बारे में जो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता भी प्रदान करते हैं तो कई बार व्यक्ति के लिए यहाँ पर समस्या भी बन जाते हैं। ये तीन योग जो सूर्य से बनते हैं, ये ऐसे योग हैं जो जीवन में व्यक्ति को इतनी सफलता देते हैं कि हर व्यक्ति उस व्यक्ति को पहचानने लगता है, यानी विश्व संबंधित व्यक्ति को इतनी ख्याति देंगे, उसके बाद ख्याति के साथ साथ व्यक्ति को पहचान व नाम भी प्रदान करते हैं, व्यक्ति को सफलता भी प्रदान करते हैं, जीवन में उसकी सकारात्मकता को भी बढ़ाते हैं। जैसे हम कहते हैं वोशी योग, वेशी योग और अभयचारी योग। इन तीन योगों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ बातें जरूर जानेंगे कि कोई भी योग हमें अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव कब देता है, क्योंकि ये योग तो हमारे जीवन में पहले से ही है तो हमें पहले सफलता क्यों नहीं मिली, सफलता का समय कब आएगा जीवन में। तो इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि जब यह योग जागृत होगा, जागृत होने का अर्थ है कि जब उसकी दशा आएगी, अंतर आएगा, उस स्थिति में योग जो है वो हमें सबसे ज्यादा फल प्रदान करेंगे। बिना समय के ये योग भी हमें क्या नहीं देते हैं, सफलता नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली में कितने भी अच्छे योग हो, लेकिन हमें उसका फल कब मिलेगा, हमें कब उसका फायदा मिल सकता है, जब उसकी या तो दशा हो, या तो उसका अंतर हो, या फिर वो पूरा का पूरा चेन में आ जाए, दशा में भी और अंतर में भी, वही निर्माण हो जाए दशा के अंदर भी उसी योग का, तो वो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। देखिए, सूर्य से बनने वाला ये क्या है, एक महत्वपूर्ण योग है। वोशी योग एक बहुत ही शुभ योगों में से एक माना जाता है। इस योग का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन में इतनी ज्यादा सफलता को लेकर आता है, क्योंकि सूर्य कौन है, सूर्य ग्रहों का राजा है, तो यहां पे कैसे सुख प्रदान करेगा जातक को, रात से सुख प्रदान करेगा। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये योग अगर मौजूद हो तो उसे सूर्य के सभी शुभ फल जो हैं वो प्राप्त होंगे, यानी सूर्य कारक जिन जिन चीजों का है वो सारे के सारे सुख जो हैं वो व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होते हैं। सूर्य से बनने वाले मुख्य कुछ ये योग हैं वो मैं आपको बता दूं, जैसे वेशी योग है, वोशी योग है और अभयचारी योग है। ये तीनों ही योग सूर्य के आसपास के दोनों भावों से चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रह होने पर बनते हैं, कि इन योगों में चंद्रमा ग्रह की स्थिति को योग के निर्माण में शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे वोशी योग के बारे में। तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य से 12वें स्थान में चंद्रमा को छोड़कर अगर कोई भी ग्रह मौजूद हो जाए, यानी चंद्रमा नहीं होना चाहिए, बस सूर्य को छोड़कर 12वें स्थान में, ध्यान दीजिएगा, सूर्य से 12वें स्थान में चंद्रमा को छोड़कर अगर कोई भी ग्रह मौजूद हो तो कौन सा योग बनता है, वेशी योग का निर्माण होता है। इसके फल को समझने के लिए यहां पर सूर्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस ग्रह को, और दूसरा किसको, उस ग्रह को समझना जरूरी है जो 12वें स्थान पर मौजूद है, जिसके कारण इस योग का निर्माण हो रहा है। इसका जो फलित है कुछ उसी प्रकार निकलेगा जैसी स्थिति होगी आपकी कुंडली में। कुछ बेसिक बातें मैं आपको यहां बता देती हूं, बाकी कुंडली के अनुसार यहां फलित में परिवर्तन आ सकता है। देखिए, अगर सूर्य से 12वें स्थान पर क्या हो, यहां पर गुरु हो, तो ऐसे में व्यक्ति का रुझान ज्यादा से ज्यादा कहां रहेगा, धन को अर्जित करने में रहेगा। उसकी पहली ही यहां पर क्या रहने वाली है, सोच कि मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा धन को अर्जित करूं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखूं, और अपने परिवार में सबसे उत्तम स्थिति फाइनेंशियली ऐसे व्यक्ति की ही देखने को मिलती है। सूर्य से 12वें स्थान में क्या हो, शुक्र की मौजूदगी हो, तो ऐसे में यहां पर ये जो योग है वेशी योग, तो ये क्या करेगा, जातक को डरपोक बना देगा, यानी भय, किसी भी प्रकार का उसके मन में भय उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के रूप में हम इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं उसका सारा धन कोई हड़प ना ले,
कि अगला व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मैं जीवन में उन्नति ना करूं, भय है उसके मन में, किसी के सामने अपनी बात कहने में भी हिचकिचाहट होती है क्योंकि आगे वाले व्यक्ति से वो डरता है, अगर सही भी होगा तो भी वो बोल नहीं पाएगा अगले व्यक्ति के सामने, भविष्य में कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं दे देगा, इस प्रकार का उसके मन में भय, घर के बाहर जाऊंगा कहीं रास्ते में मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, उस प्रकार का भय। तो किसी भी प्रकार का भय यहां पर मौजूद हो सकता है। तो ऐसा जातक थोड़ा भयभीत किस्म का होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। सूर्य से 12वें स्थान पर क्या हो, बुध हो, तो व्यक्ति जो है यहां पर अगर वो पुरुष है तो उसका मन कैसा होगा, स्त्री के समान कोमल, यानी मन से कैसा होगा, स्त्रियों के समान से होगा, भले ही वो पुरुष है क्यों ना हो, लोगों की देखभाल करने वाला, नेचर वाइज बहुत ज्यादा शांत। इन व्यक्तियों के अंदर में क्या नहीं होती है, लालच देखने को नहीं मिलती, जो है जितना है उसमें संतुष्ट रहना जानते हैं, इसी वजह से लोग उनकी आलोचना भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो यहां पर बुध जो है वो लोगों के द्वारा व्यक्ति को आलोचित ना भी सहने पर मजबूर कर देता है। सूर्य से 12वें स्थान में क्या हो, मंगल, तो जातक परोपकार करने वाला होगा, सबकी भलाई सोचने वाला होगा, सबका हित सोचने वाला होगा, किसी का भी अहित नहीं करेगा सिवाय एक इंसान के, जो सबसे करीबी रिश्ता होता है किसी भी संतान के लिए। तो संतान की बात आती है तो यहां पे अहित किसका करेगा, अपनी माता का करेगा, माता का बैरी बनेगा। अगर सूर्य से 12वें स्थान में मंगल हो तो ऐसे में सबसे पहले वो अहित किसका करेगा, अपनी माँ का करेगा, माँ के साथ हमेशा द्वेष बना रहेगा, कोई ना कोई कारण, वैचारिक मतभेदता है, अपनी माँ को पसंद नहीं करना, उसके साथ में उसके विचार नहीं मिलना, दूसरे सभी व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा इंसान लेकिन अपनी माता के लिए ही सबसे बड़ा बैरी बन जाता है। सूर्य से 12वें अगर शनि हो तो लोगों के लिए इनके मन में काफी दया होती है, दयालु होते हैं, कभी भी मुसीबत में होंगे तो इनका दिमाग दूसरों के कंपेयर में बहुत ज्यादा तेजी से चलेगा और सॉल्यूशंस ढूंढने के पीछे भागेगा कि किस तरीके से इस मुसीबत को टाला जा सके। जैसे कई लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है मुश्किल समय में, लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं होता है, इनका दिमाग और भी ज्यादा तेज गति से चलना शुरू हो जाता है। हाँ, इनकी पहचान एक ये हो सकती है यहां पर कि अगर सूर्य जो है, सूर्य से 12वें शनि हो तो व्यक्ति अपनी उम्र से ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति लगता है, यूं कहें अपनी जो जितनी उसकी उम्र नहीं है लेकिन फिर भी उसके चेहरे के अनुसार, उसके शरीर के बनावट के अनुसार वो बहुत ज्यादा उम्र में ज्यादा लगेगा। देखिए, वोशी योग के बारे में हम जान चुके हैं, अब जानेंगे वेशी योग के बारे में। ये भी सूर्य से बनने वाला ही है, जैसे कि उसमें था वोशी योग में, तो वोशी योग में सूर्य से 12वें स्थान में चंद्रमा को छोड़कर अगर कोई भी ग्रह बनता है तो वहां पर वोशी बनता है। अब जानते हैं वेशी, वेशी में क्या अंतर है। तो देखिए, सूर्य से दूसरे स्थान पर चंद्रमा को छोड़कर अगर कोई भी ग्रह हो तो ये योग का निर्माण हो जाता है, यानी कौन सा योग बन जाता है, वेशी योग बन जाता है। ये योग जातक को सफलता के साथ साथ लोकप्रियता भी देता है, यानी हर कोई व्यक्ति इनको जानेगा। ये एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को सफलता के शिखर तक लेकर जाने का काम करता है। व्यक्ति बोलने के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यहां पर क्या होगा, आगे होगा, लेकिन मंद गति का, धीरे चलने वाला व्यक्ति चलेगा लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि इनमें पेशेंस क्या होती है ना, बहुत ज्यादा होती है, जिनमें सब्र होता है, समय के अनुसार खुद को ढालने की यहां पर हम बात करें तो खुद को ढालने की क्षमता होती है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और ये योग आ जाए कुंडली के अंदर तो ऐसी कोई सफलता नहीं है जो इन्हें अपने जीवन में इनकी मेहनत से प्राप्त ना हो। देखिए, सूर्य से दूसरे स्थान पर अगर शुक्र हो तो ये जातक को क्या देगा, सबसे पहले प्रसिद्धि देगा। ये कहीं पर भी चले जाए लोग इनको पहचान ही लेंगे, यानी इनका जो कर्मा है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इनके जो फील्ड है काम की वो इतनी ज्यादा इनके लिए पावरफुल होगी कि लोग इन्हें खुद पहचान ले, इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की भी किसी को जरूरत नहीं पड़े। गुणवान होते हैं और यहां पर क्या होते हैं, ये प्रतिभाशाली होते हैं। सूर्य से दूसरे स्थान पर गुरु हो तो जातक का पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है, जो कि लाइफ में बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, व्यक्ति का सब्र। तो यहां पर सब्र भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये योग जिसके हो और उसमें सब्र भी हो, व्यक्ति को सब्र भी दे दे, तो निश्चित रूप से व्यक्ति आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सूर्य से दूसरे स्थान पर क्या आ जाए, बुध आ जाए,
तो दिखने में जातक काफी सुंदर होता है, उसकी फीचर्स, उसका रंग, ये सब कुछ अट्रैक्टिव होगा, यानी बिल्कुल मनमोहक। अपनी उम्र से हमेशा कम दिखने वाला होगा, जितनी उसकी उम्र होगी उससे भी ज्यादा वो कम लगेगा, यानी आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि इस व्यक्ति की उम्र तो इतनी है ही नहीं। मान लीजिए वो उम्र दराज भी है तो आपको लगेगा कि अभी भी यंग है। सूर्य से दूसरे स्थान पर मंगल, ये ऐसे कामों में जातक को उन्नति प्रदान करता है जिसमें साहस हो, मंगल के कारण। तो सबसे अच्छा क्षेत्र अगर ये अपने लिए चुनते हैं तो इनके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र जो है वो है पुलिस विभाग, आर्मी, नेवी, फायर स्टेशन या ऐसे काम जहां पर वो अपने साहस को प्रदर्शित कर सकते हैं। सूर्य से दूसरे स्थान में अगर शनि हो तो कॉमर्स फील्ड बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये हमेशा क्या करेगा, अपने गुरु का नुकसान करने वाला होगा। कॉमर्स फील्ड नो डाउट इनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अपने गुरु का हमेशा नुकसान करने वाला ही यहाँ पर ये होने वाला है। अब उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, अब गुरु के लिए नुकसान कैसे पहुंच सकता है। मान लीजिए ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में जॉब कर रहा हो, उसकी मंशा है कि सबसे पहले मार्केट रिसर्च करूं, मेरे को अपना काम शुरू करना है, किसी के अंडर में नौकरी कर लेता हूं। नौकरी करके किसी व्यक्ति के अंडर में वो काम कर रहा है, उसके बिजनेस के सारे सीक्रेट्स जो है वो उसने क्या कर लिए, समझ लिए कि व्यक्ति काम कैसे करता है। फिर धीरे धीरे करके उनके क्लाइंट्स के साथ में उसने अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाए, अपने कॉन्टेक्ट अच्छे से अच्छे बनाए उस व्यक्ति के। तो ऐसे में जिसने उसे काम सिखाया वो एक तरीके से क्या हुआ, उसका अपना गुरु ही तो हुआ। जो हमें ज्ञान दे, जो हमें सीख दे, वो कौन है, हमारा गुरु है। बेशक हम उसके यहाँ नौकरी कर रहे हो, लेकिन उसने हमें सिखाया तो है, हमारा गुरु तो हुआ वो। तो ऐसी स्थिति में उसने अपनी मन की बात उसे नहीं बताई, लेकिन अंदर ही अंदर उस व्यक्ति के लिए यहां पर उसने क्या किया, नुकसान करना शुरू कर दिया। तो क्या बन गया, यहां पे दोषी बन गया उसके लिए। उसके बाद उसने अपना सारा काम शुरू किया अलग से, यानी जिसके यहां वो काम कर रहा था, जिसको अपना गुरु बनाया, जिससे उसने अपना काम सीखा, उसी को उसने यहां पे क्या किया, धोखा दिया। धोखा इन सेंस यहां पर कैसे हुआ, काम सीखने में बुराई नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया, उसके सारे के सारे क्लाइंट्स को अपने साइड कर दिया ताकि उसका बिजनेस लॉस में चला जाए खुद अर्न करने के लिए। तो ऐसे में यहां पर ये द्वेषी बन जाते हैं अपने गुरु के। तो जब भी यहां पर सूर्य से दूसरे स्थान पर क्या हो जाए, शनि आ जाए, तो ऐसे में ये व्यक्ति अपने गुरु के द्वेषी बन जाते हैं। वहां पर ही उनका अहित करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। अब बात करते हैं हम तीसरे योग की। अब तक हम दो योगों के बारे में बहुत अच्छे से जान लिए, अब जानेंगे हम तीसरे योग के बारे में, जिसे हम कहते हैं अभयचारी योग। सूर्य से दूसरे स्थान पर या फिर 12वें स्थान पर चंद्रमा को छोड़कर कोई भी ग्रह, तो इसमें क्या आ जाता है, दूसरा भाव भी आ जाता है और 12वां भी आ जाता है, यानी वोशी और वेशी योग का मिक्स योग है एक तरीके से, क्या, अभयचारी योग। इन जातकों जिनके भी ये रिपीट जिन भी जातकों के कुंडली में अभयचारी योग देखने को मिलता है वो शरीर से क्या होते हैं, मध्य कडकाठी के होते हैं। इनके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं रहने वाली, कभी भी इनका हाथ फंसेगा मान के चलिएगा धन संबंधित कोई रुकावट आ गई इनके जीवन में, सबसे पहले व्यवस्था हो जाएगी इनके पास। अपने रिश्तेदारों को आश्रय देने वाले होते हैं, यूं समझ लीजिए अगर इनका रिश्तेदार कोई परेशानी में है, ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे पहले उसकी मदद करेंगे उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। ये ऐसा भी कर सकते हैं अगर ये कोई कंपनी चला रहे हैं तो अपने ही रिश्तेदार को अपने अंडर में काम करवाए ताकि उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। तो ऐसे में ये मुश्किल समय में भी उनकी मदद करते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते, सबके साथ निभा के चलने वाले होते हैं। लेकिन ये होते बहुत ज्यादा लकी है अपने परिवार के लिए, क्यों, क्योंकि इनके इस योग के कारण उनके जीवन में पैसा आना है। तो मान लीजिए अगर ये मध्यम वर्गीय परिवार में भी जन्म लेते तो उनके माता पिता के पास इतने पैसे आ जाए कि अपने बच्चे की परवरिश जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए, तो सुखों को भोगने वाला जातक बन जाता है इस योग के कारण। तो हमने तीन योगों के बारे में जाना है आज, पहला वेशी योग, दूसरा वोशी योग, तीसरा अभयचारी योग, जो कि बनने वाले हैं सूर्य से संबंधित, यानी सूर्य से संबंधित बनने वाले तीन ऐसे योग जो अगर आपके कुंडली के अंदर हैं तो आपके भाग्य में परिवर्तन ये लाकर ही रहेंगे। लेकिन जब समय आएगा तब आप भी जानना चाहते हैं किसी योग के बारे में तो आप हमें यहां पर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं या फिर
टीवी स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा योग मौजूद है। आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, आपकी कुंडली के योगों के बारे में, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube चैनल पे देख रहे हैं, दशा महादशा चैनल पर देख रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, कमेंट बॉक्स पर आपकी कोई भी क्वायरी है वहां पर आप मेंशन कर दीजिए, हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, और अगर हो सका तो उसके ऊपर प्रोग्राम भी बनाकर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अब मैं चाहूंगी विदा, कल हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में ज्योतिष से संबंधित। नमस्कार।